नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राजश्री रे। आज आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में और आज मैं बना रही हूँ सोरसे इलिश, बंगालियों का एक बहुत ज़्यादा फेमस डिश। जी जी, आई एम बेसिकली फ्रॉम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर शहर में मैं बड़ी हुई, तो वहीं पे मेरी कॉलेज थी, सॉरी वहीं पे मेरी स्कूल थी, कॉलेज कोलकाता। अगर आप पूछोगे कि मेरे बचपन कैसा कटा, तो आई विल से कि मेरा बचपन बर्बाद हो चुका था, एकदम मेरा बचपन पूरा बर्बाद हो चुका था। उसमें कुछ था ही नहीं, मेरे बचपन में कुछ था ही नहीं सिवाय उस नन्ही सी जान में, उस नन्ही सी दिमाग में, इस समाज का दिया हुआ बहुत भारी भारी जख्म के अलावा मेरा बचपन में और कुछ नहीं था। ना मैं लड़की की तरह बड़ी हो पाई, ना एक लड़के की तरह बड़ी हो पाई। किसी भी कोटे पे मैं जाके फिट नहीं हो पाती थी, किसी भी कोटे पे नहीं। फैमिली देखिए, फैमिली ने कभी मेरे को ज़हनी तौर से तो एक्सेप्ट की नहीं, ज़हनी तौर से कभी मेरी फैमिली ने मेरे को एक्सेप्ट की नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी इंडियन ट्रांसजेंडर को अपने फैमिली से एक्सेप्टेंस मिलती ही नहीं है। मैक्सिमम ऑफ देम आर किक्ड आउट फ्रॉम देयर हाउस ओनली, एंड उन्हीं लोगों के ये ताली के आवाज़ से आप लोग सिग्नल, ट्रेन, नुक्कड़ कहीं भी बोल दीजिए, आप लोगों को घबराहट होती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग थे वो मेरे मम्मी पापा से बात नहीं करते थे और मेरे मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते थे, तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था मेरा बचपन में। लेकिन उस सन्नाटे में भी हर रोज़ जो मेरी गाल पे तमाचा पड़ती थी ना इस समाज से, हर रोज़ उसका गूंज कभी मेरे मम्मी पापा के कानों तक पहुंची ही नहीं, कभी नहीं। तो हाँ, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने खुद को एक्सेप्ट कर भी ली थी बचपन में ही, बट एज अ गर्ल। अब कैसे समझूंगी कि मैं एक लड़की हूँ कि लड़का, शरीर तो पहचानती हूँ नहीं लेकिन आत्मा बात करती थी। मैं जब बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, तो मैं जब ऑब्जर्व करती थी मेरी मम्मी को, मेरी दादी को, वो लोग जो काम करते थे ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर सजाना, सजना सवरना, रंगोली देना, पूजा पाठ, ये जो छोटी 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 चीज़ें जो होती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा भाती थी बाकी कामों से। मेरी कज़न सिस्टर के जब कोई नई ड्रेस लाती थी तो आई यूज़ टू गेट सो मच एक्साइटेड। मेरे लिए अगर कोई टी शर्ट वगैरह लाते थे, अगर उसमें फूल पत्ते की प्रिंटिंग होती तो बहुत खुश होती थी। लेकिन गाड़ी वाड़ी वाला लाते तो बिल्कुल पहनती नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी मेरे को। स्कूल का कुछ खास यादें नहीं है, कोई भी ट्रांसजेंडर की स्कूल की यादें खास होती नहीं है। बहुत ज़्यादा बुलिड होती थी, बहुत ज़्यादा मॉक होती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था और आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑल दैट। बॉय स्कूल में ही पढ़ती थी मैं, ऐसे ही मैं नेल पॉलिश लगा के जाती थी, आईब्रोज करके जाती थी, तो वो लोग चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी मैं वैसे ही जाती थी। मेरे को बुरा लगता था लेकिन मैं फिर भी वैसे ही जाती, क्योंकि वही जाके मेरी सेटिस्फैक्शन थी, वही जाके मेरी मुक्ति थी। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई, तब जाके मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, कॉलेज में आके, कॉलेज में मतलब मैं कोलकाता में आ गई थी, सिटी कॉलेज में पढ़ती थी, तो कॉलेज में आके मैंने ये डिस्कवर किया कि आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेली नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो कि शायद आज तक मुझे ही ढूंढ रहे थे, आज जाके मैं उनको जाके मिली हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मी बट द सोसाइटी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया और धीरे धीरे मेरे जैसे लोगों को एकजुट की, फिर हम इकट्ठा एक साथ LGBTQ कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस फैलाते थे, कैंपेन्स अरेंज करते थे, तो वैसे ही कॉलेज लाइफ हम लोगों का बीता। फिर एक दिन मैं फुटपाथ पे किसी दुकान से खाना खरीद रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा
एक छोटा सा बच्चा, इतना सा, 10-12 साल का, वो मेरे पास आया एंड वो बोला कि थोड़ा सा खाना मिलेगा। आई गेव हिम, उन्हें बिना खाए मेरे को ऐसे करके पकड़ के ही स्टार्टेड क्राइंग। बचपन में एक बार एक अंकल ने मेरे को पूछा था कि बेटा बड़ा होके क्या बनना है, मैं बोली थी कि अंकल बड़ा होके मेरे को माँ बनना है, लेकिन अंकल ने ना ऐसे करके गाल में हल्का सा तमाचा लगा के बोला था कि बेटा लड़के माँ नहीं बनते। उस दिन उस बच्चे का दिल का धड़कन आई वॉज फीलिंग हेयर, मेरे पेट से मैं वो फील कर रही थी, वो बच्चे जो सिसकिया ले रहा था ना उससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। तब मैं जाके समझी कि या शायद बायोलॉजिकली मैं मम्मी नहीं बन सकती, लेकिन यही पेट का रिश्ता होता है, यही पेट का रिश्ता होता है। मदरहुड इज अ बिहेवियर, मदरहुड इज अ बिहेवियर ऑफ लव एंड केयर। जन्म दे देने से ही कोई माँ नहीं बन जाती। फिर मैंने उस दिन मेरे को ऐसे दिमाग में लगा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ये जो अबंडेंट बच्चे हैं, ये जो अबंडन बच्चे हैं, इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर मतलब यार जो लोगों को ऐसे घर परिवार जो लोगों को ऐसे घर परिवार से बेदखल कर दिया गया है, उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। और फिर मैंने एक एनजीओ खोली माँ बोल के। मैं इस कोलकाता पूरे शहर का हर एक रोटरैक्ट क्लब, हर एक रोटरी क्लब के पास मैं गई, एनजीओस के पास मैं गई, फिर उन लोग से मदद मांगी, और शायद आज वो लोग मेरे को स्क्रीन में देख रहे हैं। आज सभी के सामने मैं हाथ जोड़ के आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग नहीं होते तो सच में आज माँ भी नहीं होती, उन लोग ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया और बहुत फंडिंग्स ला के दिए, बहुत ज़्यादा फंड्स हमको रेज करके दिए। फिर बहुत मुश्किल से मैंने जाके एक 3 BHK फ्लैट रेंट पे ली। वहाँ पे अभी 11 बच्चे रहते हैं ऐसे ही, जो उनमें से 6 ट्रांस हैं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट चाहती हूँ कि ये मेरी माँ और भी बड़े पैमाने पे काम करे, और हम और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँचे हम लोग। दर्शकों को देखिए, दर्शकों को बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, दर्शकों को और क्या बोलूँ, लेकिन एक कुछ चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग कोई एलियन तो है नहीं, है ना। तो हम लोग को ना ऐसे रौंद के ना रख दीजिएगा, हम लोग को अपनाइए। मेंटल डेवलपमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं तो वी वोंट बी एबल टू फ्लरिश, यू नो। और आप लोग जिस दिन ये LGBTQ कम्युनिटी के बारे में अपना सोच बदलेंगे ना, उस दिन हमारा ये माँ जैसे NGO बंद होंगे, और उस दिन जाके हम लोगों की मकसद पूरी होगी, हम सभी की जीत होगी। नहीं तो आप सबसे हमेशा ये सिग्नल पे, ट्रेन पे, किसी चौराहे पे मुलाकातें होती रहेगी। धन्यवाद।